कॉमन न्यूज सदैव सर्वांच्या सोबत. कॉमन न्यूजच्या ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आताच आमचे कॉमन न्यूज चॅनल सबस्क्राइब करा आणि रहा आमच्या सोबत. कहलाती है आप इलेक्शन के माहौल में अगर बुजदिली के साथ अपनी जिंदगी गुजारते हो तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के पैगाम को पढ़ो, उन्हें सुनो. उन्होंने ऐवान पार्लियामेंट के अंदर उन बीजेपी और शिवसेना और जहरीली जहनियत रखने वालों के सामने इतनी जुरत के साथ, इतनी बेबाकी के साथ मुसलमानों की जो नुमाइंदगी की है, दलितों की नुमाइंदगी की है, मजलूमों का हक मांगा है, तो ये जुरत और ये बेबाकी कहां से आई है? ये जुरत और बेबाकी उनको अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत की वजह से दिया है. आप भी ईमान वाले हो. एक एक छोटा मुसलमान जो अपने आप को छोटा समझता है, एक ईमान वाला जो अपने आप को छोटा और हकीर समझता है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने पूरे हिंदुस्तान के ईमान वालों को ललकार कर कहा कि हर गली कूचे के अंदर, हर मैदान के अंदर एक बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी पैदा होना चाहिए, सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होना चाहिए, हमारे बुजुर्गान दीन औलिया इकराम की तालीमात को आम करना चाहिए. श्रीरामपुर के रहने वालों, आपके पास दो बुजुर्गान दीन आराम कर रहे हैं, इनकी रूहानियत और नूरानियत आपके दिलों के अंदर और कुलूब के अंदर होना चाहिए. इस मुल्क के अंदर तुम्हें बावकार जिंदगी गुजारना चाहिए. मुसलमानों के डीएनए में बुजदिली कहीं पर भी नहीं है. मुसलमान वो कौम है, मुसलमान वो कौम है जो बुजदिली को बिल्कुल करीब नहीं आने देती है. इसलिए जहां जाती है वहां पर तकबीर का नारा बुलंद करती है, नारा तकबीर. और मेरे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने पार्लियामेंट के अंदर जब हलफ लेने के लिए उठे तो बहुत परेशान हो गए बीजेपी वाले और दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. वो खड़े जैसे ही रहे, सबको उनका भगवान याद आ गया और वो भगवान के नाम को लेने लगे. बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ऐसा हाथ हिलाते हिलाते मुस्कुराते हुए हलफ लेने के वास्ते जाते हैं और जब हलफ लेते हैं तो उस वक्त पार्लियामेंट के अंदर यही नारे की गूंज आवाज लगाते हैं कि नारे तकबीर अल्लाहु अकबर. तो हमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को समझना है. ये सिर्फ मुसलमानों की जमात नहीं है, ये दलितों की है, मजलूमों की है, ओबीसी की है और पिछड़े हुए जातों के लोग जो हैं. आज तक के कभी भी आपने सुना नहीं होगा कि मातंग समाज का कोई उम्मीदवार खड़ा होकर असेंबली में वो जा सकता है. आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने हमारे जगदने साहब को जो टिकट दिया है, मेरे अजीज दोस्तों, काबिले तारीफ है, काबिले तकलीद है. दुनिया में इसकी मिसालें दी जा रही है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इंसाफ पसंद है, इंसानियत पसंद है और उन्होंने इन पर जो एतबार किया, भरोसा किया. अब आपका काम है कि भारी अक्सरियत से वोट देकर इनको कामयाब करने की कोशिश करेंगे ना भाई. उस दिन आपको क्या करना है, सुबह फजर की नमाज के बाद से अपने घरों से अपनी खवातीन को, अपनी बहनों को, अपने बच्चों को, सबको लेकर जो है पोलिंग बूथ के ऊपर जाना है और पतंग के निशान पर बटन दबाना है. दोस्तों और बुजुर्गों, इस वक्त मुल्क के जो हालात खराब होते नजर आ रहे हैं, किसी जमाने में गंगा जमनी तहजीब रखने वाला ये मुल्क प्यार और मोहब्बत के साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिया करते थे, लेकिन आज जो है इन्होंने ऐसे नफरतों का माहौल पैदा कर दिया है कि एक दूसरे को देखकर दूर से जो है घुर्राते हैं जैसा कोई दरिंदा है, कोई जानवर एक दूसरे को देखकर देखता है कि मेरे गली में नहीं आना, मेरे एरिया में नहीं आना. वो कौन सा जानवर है? वो कुत्तों की खसलत है, कुत्तों की. एक कुत्ता जब दूसरे गली का कुत्ता जब आता है तो वो बहुत ज्यादा भौंकने लग जाता है. अरे इंसान बनो, अल्लाह ताला ने तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया था. एक मर्तबा मोदी के घर के ऊपर अमित शाह चले गए, सुना हमने
कि वहां पर जो है एक डॉग था और हर बड़े लोगों के पास कुत्ते रहते, इनको कुत्तों से बहुत ज्यादा प्यार रहता है, इनके बेडरूम में भी कुत्ते सोते हैं, इनकी गाड़ी में और कारों में भी इनके साथ जो है कुत्ते रहा करते हैं। किसी जमाने में लोग पूछते थे कि कुत्तों से कोई प्यार कर सकता है क्या, ये जमाना है जिसमें लोग बता रहे हैं। तो अमित शाह जो है मोदी के घर पर गए और जाने के बाद जो है डॉग ने भूकना शुरू कर दिया। ये शाह और इसकी जोड़ी बहुत जबरदस्त जोड़ी है। शाह ने कहा, मोदी जी ये क्या बात है कि ये मुझे बहुत ज्यादा भूक रहा है। तो मोदी बड़ा चालाक है, उसने इशारों इशारों में अदरक के पंजों का जवाब दे दिया। होता होता शाह होता एक गली का दूसरी गली में आया तो ऐसा होता। तो इन्होंने नफरतों का माहौल बनाकर इस मुल्क की फिजा को बिगाड़ा है। किसी शायर ने कहा है, नफरतों का असर देखो जानवरों का बंटवारा हो गया, नफरतों का असर देखो जानवरों का बंटवारा हो गया, गाय हिंदू हो गई बकरा मुसलमान हो गया, गाय हिंदू हो गई बकरा मुसलमान हो गया। सूखे मेवे भी ये देखकर परेशान हो गए, ड्राई फ्रूट जो होता है ना खाते हो, हाँ बादाम पिस्ता, इसको सूखे मेवे बोलते हैं, सूखे मेवे भी ये देखकर परेशान हो गए, न जाने कब खजूर मुसलमान और नारियल हिंदू हो जाए। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि तरबूज किसके हिस्से में जाएगा, अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि तरबूज किसके हिस्से में जाएगा, ये तो ऊपर से बेचारा मुसलमान और अंदर से हिंदू ही रह जाएगा। लाल रंग भगवा रंग फला का और हरा रंग मुसलमानों का, हालांकि तिरंगे में तीनों मौजूद है, हर एक गली में हर एक कूचे के अंदर हर एक चौक के अंदर हर जगह अल्लाह ताला ने इस इंसानियत के नमूने को पेश किया है कि एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले बनो, एक दूसरे से प्यार करने वाले बनो, नफरतों के माहौल को खत्म करने वाले बनो। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये पैगाम देती है कि आप अपने दलित भाइयों से भी मोहब्बत करो, मजलूमों से मोहब्बत करो, उनके हुकूक की लड़ाई लड़ो। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर शेर हिंदुस्तान घूम रहे फिर रहे हैं और उनकी बेबाकाना तकरीरों से माहौल तब्दील हो जा रहा है। मेरे अजीज दोस्तों, आप मुत्तहिद होकर अपने वोटों का इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पर भी ऐसा ही करिश्मा होगा जैसा कि औरंगाबाद के अंदर इम्तियाज जलील की शक्ल में हुआ था। हमारे जगदने साहब जो है चुनकर आएंगे, ऐवान असेंबली में आप लोगों के हुकूक की लड़ाई लड़ेंगे इंशाअल्लाह।